डेटा कम्युनिकेशन मॉडल एंड कंपोनेंट्स। डेटा कम्युनिकेशन से तात्पर्य दो डिवाइसेस के मध्य ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से डेटा का एक्सचेंज होता है। एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डेटा के इफेक्टिव ट्रांसमिशन के लिए निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स पर निर्भर करता है। पहला, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर। सिस्टम को करेक्ट डेस्टिनेशन तक डेटा डिलीवर करना होता है। एक्यूरेसी, सिस्टम को डेटा एक्यूरेटली ट्रांसमिट करना चाहिए। टाइमलीनेस, सिस्टम को डेटा की डिलीवरी बिना सिग्निफिकेंट डिले के साथ समय पर करना चाहिए। जिटर, जिटर पैकेट के अराइवल टाइम में वेरिएशन को डिनोट करता है। यह ऑडियो और वीडियो पैकेट्स की डिलीवरी में अनइवन डिले होता है। इस प्रकार इन पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पर एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इफेक्टिव ट्रांसमिशन के लिए निर्भर करता है। डेटा कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। एक कम्युनिकेशन सिस्टम डेटा ट्रांसमिशन को सोर्स और डेस्टिनेशन के मध्य इनेबल करता है। कम्युनिकेशन मॉडल के एलिमेंट्स इस प्रकार हैं। सोर्स, यह है ट्रांसमिट किए जाने वाले डेटा को जनरेट करता है। एग्जांपल, टेलीफोन्स या पीसी। ट्रांसमीटर, एक ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन को इस प्रकार ट्रांसफर और एनकोड करता है कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स उत्पन्न करता है, जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाए। एग्जांपल है मॉडेम, डिजिटल बिट स्ट्रीम को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। जो नेटवर्क के माध्यम से रिसीवर तक ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिशन सिस्टम
इसके अंतर्गत एक सिग्नल की सिंगल ट्रांसमिशन लाइन या सोर्स और डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने वाला नेटवर्क होता है। रिसीवर यह ट्रांसमिशन सिस्टम से आने वाले सिग्नल को प्राप्त करता है और डेस्टिनेशन के लिए उपयुक्त फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल मॉडेम। नेटवर्क या ट्रांसमिशन लाइन से आने वाले सिग्नल को प्राप्त करता है और सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करता है। इस प्रकार ट्रांसमिशन को इनेबल करने के लिए डेटा कम्युनिकेशन मॉडल में सोर्स, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, रिसीवर होते हैं। डेस्टिनेशन रिसीवर से आने वाले डेटा को एक्सेप्ट करता है। इस डायग्राम के माध्यम से डेटा कम्युनिकेशन मॉडल को डिस्क्राइब किया गया है, जिसके अंतर्गत सोर्स, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, रिसीवर और डेस्टिनेशन एलिमेंट्स होते हैं। सोर्स से उत्पन्न डिजिटल बिट स्ट्रीम को ट्रांसमीटर के द्वारा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया गया है। ट्रांसमिशन सिस्टम एनालॉग सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचाता है और रिसीवर सिग्नल को पुनः बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। एक वर्क स्टेशन मॉडेम के माध्यम से सिग्नल को नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट करता है। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं। मैसेज वह इंफॉर्मेशन होता है जिसको कम्युनिकेट किया जाता है, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। सेकंड सेंडर यह वह डिवाइस है जो डेटा मैसेज को सेंड करता है। एग्जांपल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन। नेक्स्ट रिसीवर यह मैसेज को प्राप्त करता है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन मीडियम यह वह फिजिकल पाथ होता है जिसके माध्यम से मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। एग्जांपल वायर्ड केबल्स, रेडियो वेव्स। फिफ्थ प्रोटोकॉल
नियमों का समूह होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को नियंत्रित करते हैं। यह प्रोसीजर्स को डिफाइन करते हैं जो नेटवर्क के माध्यम से डेटा के इफेक्टिव ट्रांसमिशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस के समूह का इंटरकनेक्शन होता है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन फॉर नेटवर्क एक लाइन कॉन्फ़िगरेशन ये उस तरीके को परिभाषित करता है जिसमें डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं। लिंक एक कम्युनिकेशन पाथवे होता है जो डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफर करता है। कनेक्शन लिंक्स के प्रकार हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक एंड मल्टी पॉइंट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दो डिवाइसेस के मध्य डेडिकेटेड लिंक को प्रोवाइड करता है। लिंक की संपूर्ण कैपेसिटी दो डिवाइसेस के मध्य ट्रांसमिशन के लिए संरक्षित होती है। एग्जाम्पल रिमोट कंट्रोल और टीवी सिस्टम के मध्य पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के मध्य दो डिवाइसेस के द्वारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है जिसमें लिंक की बैंडविड्थ दो डिवाइसेस के मध्य ही यूज की जाती है। सेकंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन इस कनेक्शन में दो से अधिक डिवाइसेस सिंगल लिंक को शेयर करते हैं अर्थात दो से अधिक डिवाइसेस एक ही लिंक के द्वारा डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी यह डिस्क्राइब करता है कि नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार किया गया है अर्थात नेटवर्क में कनेक्ट होने वाले डिवाइसेस फिजिकली या लॉजिकली किस प्रकार कॉन्फ़िगर अर्थात कनेक्ट किए गए हैं। टोपोलॉजी
प्रकार हैं, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। ट्रांसमिशन मोड्स, ट्रांसमिशन मोड दो कनेक्टेड डिवाइसेस के मध्य सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ट्रांसमिशन मोड्स तीन प्रकार के होते हैं, पहला सिंप्लेक्स, सेकेंड हार्ड डुप्लेक्स, थर्ड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, इस मोड में कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है, अर्थात दो में से केवल एक ही स्टेशन लिंक में ट्रांसमिट कर सकता है और दूसरा डिवाइस रिसीव कर सकता है। हाफ डुप्लेक्स, इस मोड में प्रत्येक स्टेशन डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक डिवाइस ही ट्रांसमिट कर सकता है। जब एक डिवाइस डेटा को सेंड करता है तो दूसरे डिवाइस से रिसीव करता है। एग्जांपल रेडियो चैनल्स। थर्ड फुल डुप्लेक्स, इस मोड में दोनों स्टेशंस साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स मोड में सिग्नल्स लिंक की कैपेसिटी को दो तरीके से शेयर करते हैं। या तो लिंक में दो फिजिकली सेपरेट ट्रांसमिशन पाथ उपलब्ध होने चाहिए, या चैनल की कैपेसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसमिट होने वाले सिग्नल के मध्य विभाजित होनी चाहिए। एग्जांपल है टेलीफोन नेटवर्क। जब दो व्यक्ति टेलीफोन लाइन के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं तो वे एक समय में बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं।